क्या कह रहा है, एक समूह में 10 लड़के, कितने हैं, 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। एक समूह में, एक ग्रुप है जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। इस समूह में कुछ लड़कों को जोड़ दिया जाता है, कितने, कुछ लड़के जोड़ दिए जाते हैं। लड़कियों का प्रतिशत कितना कम हो जाता है समूह में, 10% कम हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शन से, ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर ऑप्शन से निपटाने की कोशिश की जाए तो सबसे बेहतर रहता है। तो हम देख लेते हैं, पहले क्या था, 10 लड़के, बॉय कितने थे, 10 लड़के थे, गर्ल्स कितने, 10 थी। टोटल कितने हो गए, टोटल टोटल हो गए 20, 20 थे। और अब इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, फिक्स है 10, और कितने हैं 20 टोटल। तो लड़कियों की कितनी परसेंटेज होगी, गर्ल्स की परसेंटेज, गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स हो गई 50%। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 10% कम हो जाते हैं, कि परसेंटेज कम हो जाती है अगर कौन बढ़ जाते हैं, बॉयज में कुछ बढ़ जाए। तो बॉयज में मैंने बताया, बॉयज में मैं मान लेता हूँ बॉयज की परसेंटेज कैसे बढ़ गई, बॉयज की परसेंटेज को मैं मान लेता हूँ, जो बॉय हैं 10, तो 10 की 10 ही है, गर्ल्स 10 की 10 ही है, परसेंटेज कम हो जाती है, 10% कम हो जाती है, बॉयज की नहीं लेते ये, गर्ल्स की लेते। गर्ल्स अब कितनी होगी, पहले तो ऐसी थी, गर्ल्स अब कितनी होगी, अब पहले तो ये थी, ये सिचुएशन की 50% होती थी, लेकिन नई सिचुएशन आ गई भाई, 20 में कुछ और बॉयज आ गए हैं, मतलब ये भी तो बढ़ेगा, बॉयज अगर बढ़ेंगे तो टोटल भी तो बढ़ेगा। तो उसमें मैंने टोटल जो बढ़ा है उसको क्या क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया, और ये जो एक्स बढ़े हैं सिर्फ बॉयज हैं, और इंटू इंटू और 10% कम हुआ, तो 50 में से 10% कम होगा तो कितना होगा, 40%। एक तो तरीका ये रहा, एक तो तरीका ये रहा, आप एक्स की वैल्यू निकाल दो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा जो स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट तरीका है, तो कैसे ऐसा होगा कि 40% कब आएंगे, ऑप्शन यहीं पे मान लो, ऑप्शन अगर पहले वाले पे देखते हैं, पहले वाले पे अगर मैं 5 फुट करता हूँ नीचे, कितना हो जाएगा, 10/25 हो जाएगा, 100। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 40% आएगा, तो कट कर देते हैं 2 और 5, 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, 40% होती है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, 5 मैंने x की जगह पे रखा है, 5 x की जगह पे रखा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। ये ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हैं, सबसे बेहतर तरीका मुझे यही लगता है ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। ठीक है भैया, ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेहतर लगता है मुझे। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेणु एक फेरी वाला है और वह सप्ताह में 7 दिन समोसे बेचता है, क्या बेचता है, समोसे बेचता है। मोदी जी का फैन है भाई ये, मोदी जी समोसे बेचने के लिए कहते हैं, ये पकोड़े बेचने के लिए कहते हैं, ये समोसे बेच रहे हैं, सबसे बड़ा फैन है मोदी। प्रत्येक दिन वह दान करने के लिए अपनी आय का 5% अलग कर देता है, ये तो भाई बहुत अच्छा आदमी, 5% डेली में से अलग कर देता है, जितनी इनकम होती है उससे 5% अलग कर देता है। औसतन वह प्रतिदिन 2,000 रुपये कमाता है, कितना है उसकी इनकम, कितनी है आय, कितनी है पर डे की आय, की 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये डेली कमाता है, क्या समोसे बेच के, पकौड़े नहीं, पकौड़े मेरे ध्यान में आ रहा है, ठीक है। और डोनेट कितना कर देता है, दान कितना देता है, दान में दे देता है 5% पर डे। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक 15 दिन में वह दान के लिए लगभग कितनी राशि देगा, कितनी राशि, सबसे आसान तरीका है, तो भाई 15 दिन में दान की राशि, 15 दिन में दान की राशि, दान राशि, सबसे पहले ध्यान से देखो भाई, सबसे बेहतरीन है भाई, 2,000 रुपये डेली कमाता है, 2,000 रुपये डेली कमाता है, 5% क्या कर देता है, दान कर देता है, 5% क्या कर देता है, दान कर देता है। और कितने दिन के लिए पूछ रहा है, 15 दिन के लिए पूछ रहा है, कितने दिन के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे 15 दिन के लिए पूछ रहा है, 15 दिन के लिए, ये रहा 15 दिन के लिए। तो अब भैया काम कर देते हैं, 0 से 0 ये गया, अब इतना आया 20, 15 5 75, 15 5 75 लगभग ए
लगभग क्या कर देता है, लगभग 75 दुनी 150, 150 प्लस एक जीरो और हो गए, तो 1500 रुपये वो डोनेट कर देता है। बड़ी आदमी है, मतलब डेली का कितना 100 रुपये डोनेट करता है। इसने पूछा 15 दिन में कितना डोनेट करता है, तो भैया 15 दिन में कितना डोनेट कर देता है, वो 1500 रुपये डोनेट कर देता है। कितना रुपए डोनेट कर देता है, 1500 रुपये डोनेट कर देता है। कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ भाई, दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। शेयर तो जरूर करो भाई अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो। ठीक है, आगे आ जाते भाई। अब क्या कह रहे इसमें, एक परीक्षा में प्रयोंजय एक लड़का, प्रयोंजय नाम है एक लड़का, कितना अंक प्राप्त करता है, 27 2, मतलब 272 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और जो कि किसके बराबर है, 64% अंक के प्राप्त करने के बराबर है। 64% इसका मतलब क्या है, 64% की वैल्यू कितनी है, 64% की वैल्यू है दे रखी है वो 272। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 272/64% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 272/64। अब यहाँ पे आ जाते हैं वही, कट करते हैं, 25 आया, ये कितना आया, 4 से काटा है, 16 चौके 64, फिर अब इसको 4 से यहाँ पे भी कटेगा, काटो भाई, यहाँ 4 आया, 4 से काटा 8, 8 चौक 32, छः आया, ऊपर कितना आया, 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ 8, उसके बाद 4 से काटो, 17 चौक 64, अब क्या आया, 17 गुणा में 25, 17 गुणे 25 भाई 25। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, 17 5 85, 5 यहाँ पे लिखा, 8 इधर, 17 17 17 34, 34 6 425, 400 कौन सा पहला ऑप्शन, 425 ऑप्शन है पहला ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। परीक्षा में कुल कितने अंक है, कुल अंक के लिए क्या होता है, 100%, अपने आप में कोई भी चीज क्या हो जाती है, 100% हो जाती है, क्या हो जाती है, अपने आप में कोई भी चीज 100% हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहले फिर से बता देता हूँ, एक परीक्षा में प्रयोज ने कितने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है। ठीक है, परीक्षा में कितने अंक, परीक्षा कितने अंक की, मैक्सिमम मार्क कितने अंक की, पूर्णांक कितने का था, तो वो 100%, पहले 64 के बराबर 272 था, 1% की वैल्यू निकाली, फिर 100% की वैल्यू निकाल दी, तो पूर्णांक कितना था, पूर्णांक कितना था भैया, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क MM पूछा जाए, 425, जो कि पहला ऑप्शन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। देखो भाई क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति की वर्तमान में लाल रक्त कोशिकाओं, मतलब RBC रेड ब्लड सेल संख्या कितनी है, रेड ब्लड सेल की संख्या दे रखी है 54,000। ठीक है, और यह प्रतिदिन 5% की दर से बढ़ता है, कितने की, 5% की दर से बढ़ रहा है, तो दिन में RBCs कितनी रहेगी, तो सबसे पहले 5% की वैल्यू कितनी, 5% की वैल्यू ध्यान से देखो भाई, 5% की वैल्यू हो जाएगी 1/, मतलब क्या है, इस पे 1 बढ़ गया, 20 पर 1 बढ़ गया 21, 20 पर 1 दो बार बढ़ा, पहले साल बढ़ गया 20 से 1 पहले साल में, दूसरे साल में क्या हुआ, 20 से 21 पे बढ़ा, ये कितना हुआ, 400 हो गया, कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 441 हो गया, ये कितना हो गया 441 हो गया, कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, जब 441 हो गया तो 400 की वैल्यू, ये 400 की वैल्यू कितनी है, 400 की वैल्यू है भैया
400 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5400। देखिए 54, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू तो अब यहाँ पे काट कर दो। वैसे मैं बता सकता हूँ 135 होती है, लेकिन जाने दो, बाद में बताएंगे। कट गया अभी, 4 एकम 4 और फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 एकम 4 14, 135 हुई। कितनी हुई, 135। अब यहाँ पे करा इसको, अब 135 गुना में हम क्या कर देते हैं, 135 गुना 135 गुना 441, 135 गुना 441 35 5, तो ऑप्शन दिख रहा है फोर्थ ऑप्शन, तो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई आगे आगे, या नोट्स बनाते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या साथ साथ में करते रहो, मतलब प्रैक्टिस करने की यही सबसे तरीका है, साथ साथ में क्वेश्चन, जितने नए क्वेश्चन मिलते रहे आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में क्या करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे। एक मिनट, कृतिका के पास कितने रुपए हैं, 21,450 रुपए कितने हैं, 21,450 है, 21,450 है, ठीक है ना। इस राशि का 16% किस पे, वाहन पर खर्च कर दिया, कितना, 16% वाहन पर खर्च कर दिया, फिर उसने शेष राशि का 50% राशन पर खर्च कर दिया। अब देखो भाई, वाहन पर 16% और राशन पर शेष का कितना है, 50%। फिर उसने इंटरनेट पर कितना खर्च कर रखा है, इंटरनेट पे 991 उसने खर्च कर रखा है। अब ध्यान से देखो भाई, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे कितना, 21,450 रुपए उसकी सैलरी थी, 91 पहले ही माइनस कर, 991 उसके पहले ही माइनस कर दो, कितना आएगा, 9 यहाँ 14 हो गया, 5 यहाँ कितना हुआ, 13, 13 में से 4, तो 20,459 रुपये, 20,459 रुपये उसके बच गए, अभी यहाँ रिमेनिंग बचे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 16% उसने खर्च करा, 16% में से हमने क्या कर दिया, 16% में से, 16% में से हमने क्या करा है, 84% यह 16% तो खर्च कर दिया, बचा कितना, 84%, और 84% का 50% शेष का 50% अब बचत ये होगी, 50% हटा दो, 50% बचत होगी, तब शेष कितना हो जाएगा, शेष इसको देखो भाई, पहले 2 से काटा, ये कितना है, 42 है, अब फिर उसके बाद 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 2 से यहाँ 50 आया, ठीक है, क्या है, यहाँ तक बात समझ में आ रही, 50 आया। अब यहाँ से काटते हैं, देखेंगे ये कट वट के शॉर्टकट नहीं चलते हैं, तो छोड़ ही देते हैं, कट तरीके चलते हैं, इस वाले तरीके हमने क्या कर दिया, शॉर्टकट वाले से नहीं चलते, शॉर्टकट वाला अभी बताऊंगा इसके बाद में। 21,450 है का 16% यूज हो गया, 16% यूज हो गया तो बचा कितना, 84%। अब इस 84% का 150% 150 कह रहा हूँ, 50% 150 नहीं 50% तो कितना होगा, हाफ बच जाएगा, और फिर उसके बाद उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 91 इसको माइनस कर देंगे, ये कितना हुआ, इस 42। अब फिर उसके बाद 42 में से जो इसको हटाया, ये कितना आया, 5 बचा, ये 21, ये कितना आया, 4 और ये 2 और 9, 21 9, तो ये हो गया यहाँ पे 9,009 माइनस ये, तो 8,018 रुपये कौन सा पहला ऑप्शन, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है। थोड़ा सा जो दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा था, यहाँ पे पहले ऑलरेडी माइनस कर लेते, पहले क्या कर लोगे आप,
21,450 को से माइनस करोगे इंटरनेट वाले खर्च से, और फिर उसके बाद उसका 84% निकालोगे, फिर 50% निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो 8,018 रुपए आएगी, तो देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 42वां क्वेश्चन है, समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं, कितने खर्च होते हैं उसके बारे में बताया है। साबुन का व्यवसाय है, बिजनेस है, खर्च होते हैं। विपणन पे कितना, 10%, मतलब विपणन मतलब मार्केटिंग पे 10%। फिर कर्मचारियों के लिए सैलरी जो दे रहे हैं वो कितना है, 65%। और कच्चे माल पे, कच्चे माल पे 25% खर्च कर रहा है। कंपनी की सैलरी कितनी दे रहा है, 65,000 रुपये दे रहा है। कितने वेतन कितना दे रहा है, 65,000। तो मार्केटिंग पे कितना खर्च हुआ, विपणन पर कितना खर्च हुआ, सबसे पहले देखो भाई, 65% की वैल्यू 65,000 है, क्योंकि ये सैलरी दे रखा है उसने। 1% की वैल्यू आपको पता ही होना चाहिए, 1,000 हो जाएगी, 1,000 रुपये हो जाएगी। दिक्कत हो तो बता दूँ मैं तो भाई यहाँ तक। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमें किसकी बात चाहिए, हमें चाहिए 10%, मतलब मार्केटिंग में कितना खर्चा हो रहा है, 10% का खर्चा हो रहा था यहाँ पे। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, कितना हो जाएगा, 10,000। और 10,000 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो बता दो मुझे, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई साहब वीडियो को भाई बिना लाइक किए ना हजम नहीं होगी आपको ये ज्ञान, तो इसलिए भाई वीडियो को लाइक करो। फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कई चीज़ें मतलब हम ऐसे तरीके से देखते हैं, इन्फीरियरिटी की तरफ से देखते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है, छोटी चीज़ें नहीं होती। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन को आप कह सकते हो फ्री है, कह सकते हो कि मतलब इंटीरियर है भाई, के अस्तित्व को जानो, ठीक है ना। तो फ्री चीज़ें बहुत अच्छी होती, लेकिन हमने अपने माइंड सेट में है कि पेड ही सारी चीज़ें अच्छी होती, ऐसा ना करो ना। आ जाते हैं, हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, मासिक वेतन कितना है उसके, उनके मासिक वेतन से 25% जो है ना, 25% उसके घर का खर्चा हो जाता है, 25% जो हो जाता है तो घर के किराए में खर्च हो जाता है, मतलब रेंट पे खर्च कर देता है, कट जाता है, ठीक है। 15% बच्चों के स्कूली शिक्षा पे खर्च हो जाता है, 15%, और 18% है तो अन्य खर्च पे खर्च कर दिया जाता है। तो अब बताओ भाई साहब, उसकी सैलरी में जो बचत है ना, मासिक बचत है 7,560 रुपये। सबसे पहले यहाँ पे देखो, 25% उसने किस पे खर्च करा, 25% रेंट पे खर्च कर दिया, उसके बाद 15% एजुकेशन पे, रेंट, एजुकेशन, और फिर उसके बाद भाई साहब ने किस पे खर्च करा, अन्य खर्चे, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गए, एक्स्ट्रा खर्च, टोटल कितना हुआ, टोटल ये 40 हो गया, 58% उसने खर्च कर दिए, एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब मान लो किसी की सैलरी कितनी होगी, उसकी 100% हमेशा कितनी होती है, 100% की सैलरी होती है, 100% सैलरी है, 58% उसने खर्च कर दिए, तो 42% और 42% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,760 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी है, 7,760/42, और इसने पूछा है कि मासिक वेतन कितना है, उसका वेतन कितना है, तो 100% निकालने की बात हो रही है, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब भाई 100 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या एक्शन होगा, सबसे पहले एक्शन का तो रिएक्शन होता ही है, एक्शन का रिएक्शन क्या होता है, होता ही है। ये कितना हो जाएगा, पहले 2 से काटेंगे सीधा 42 का पहाड़ा, 42 एकम 42, और 42 अट्ठे 180 गुना 100 हो गया, 18,000 रुपये का वेतन है
मासिक वेतन है 18,000 रुपये है, 18,000 रुपये इसका मासिक वेतन है हेनरी का। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो जा रहा है बिल्कुल, है ना। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन, बढ़िया है क्वेश्चन, जरूर आता है पुरुष महिलाओं वाला क्वेश्चन, जरूर जरूर आता है, 100% की गारंटी आती है। ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। अब देखो भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है, पुरुष और महिलाओं मतलब एक कस्बे में पुरुषों की कुल संख्या 70% है, पुरुषों की कुल संख्या कितनी है 70% है, 70%। एक कस्बे में पुरुषों की कुल संख्या 70,000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% है, 6% है, और महिलाओं की संख्या कितनी है 4% है, कितनी है 4% है, पुरुषों की संख्या 6% है। क्वेश्चन एक बार मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, तो और महिलाओं की संख्या, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, इसको ठीक करना। तो और महिलाओं की संख्या, तभी मैं महिलाओं यहाँ से इस, एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की संख्या 70,000 है, और पुरुषों की कुल संख्या कितनी है 6% है, महिलाओं की संख्या कितनी है 4% है, 4% वृद्धि कर दी जाए, इसको बढ़ा दिया जाता है, 4% बढ़ा दिया जाता है, तो वो उसमें क्या हो जाता है, कस्बे में कुल पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी 73,520 हो जाती है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है 73,000 कस्बे में, तो और महिलाओं के आरंभ में कितना अंतर था, अंतर पूछ रहा है, मतलब पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस को बहुत अच्छे से जान लेते हैं, स्टार्टिंग में मेल और फीमेल मिलके कितने हैं 70,000 हैं, कितने हैं 70,000 हैं, कितने हैं 70,000। ठीक है, और महिला, अब इसमें क्या कह रहा है 6% बढ़ा दो भाई, 6% ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया 6% मेल और 4% फीमेल हमने बढ़ा दिया, और वो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए भैया, टोटल कितने हो जाएंगे 73,520। अब 73,520 नहीं होंगे, कितने होंगे, क्योंकि हमने 6% निकाले, 106% निकालते तब 73,520, मैं 73,520 माइनस क्या करा 70,000 कर रखा है, कितना करा है 70,000 करा है, 6% मेल और 4% फीमेल मिलके कितना बना रहे हैं 3,520। अब एक बात बताओ, तो हम क्या ले लेते हैं भाई, 2% मेल प्लस 4% फीमेल, मेल 4%, 6% को 2 और 4 के टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ, 6 को 2 और 4 के परसेंट में डिवाइड कर सकते हैं, 2% मेल प्लस 4% मेल प्लस 4% फीमेल इक्वल्स टू 3,500। अब एक चीज बात को ध्यान रखना, ये जो है, ये जो है, ये हम कुछ काम कर सकते हैं, इसमें से हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे काम करता हूँ मैं, 4% मेल है जो, और 4% फीमेल है, तो मैं निकाल लेता हूँ साइड में, 4% निकाल लेता हूँ कॉमन, और मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल की वैल्यू अभी मैंने बताई है, मेल प्लस फीमेल की वैल्यू कितनी है, कितनी है 70%, कितनी है 70%, मेल और फीमेल की वैल्यू कितनी है 70% है, कितनी है 70% नहीं है 70,000 है, कितनी है 70,000 है, कितनी है 70,000, 00 इसको उड़ा दो, 28, 2% मेल बराबर यहाँ पे 2800, यहाँ पे कितना है 2800, उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 700, इधर इरेज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इरेज कर दूँ इस वाली चीज, अब थोड़ा सा
अब यहाँ पे आया 2% मेल, तो जाके 3320 माइनस 2800 720 आया, कितना आया माइनस हो गया 720, और 2% एम, देखो भाई 720 का ये आया 50, एम की वैल्यू 720 गुना 50 कितना हो गया, ये हो गया भाई मेल की वैल्यू आ गई 0010, एक जीरो और आ गया, और फिर उसके बाद है 36,000 मेल की वैल्यू आई, फीमेल की कितनी आ जाएगी 34,000, कि उससे 2% कम है, और गैपिंग कितनी आई 2000 की, गैपिंग कितनी आई 2000 की, 2000 की गैपिंग आई यहाँ पे, 36,000 माइनस 34,000 हो जाएगा तो 2000 की वैल्यू कितनी है फर्स्ट है, 2000 की वैल्यू फर्स्ट है। फिर से बता देता हूँ ध्यान से देखो, मेल और फीमेल कितनी है, एक किसी कस्बे में 70,000 है, अब क्या कह रहा है 6% महिला 6% पुरुष है, बढ़ाने की बात हो रही है, और 4% महिला को बढ़ा दी जाए तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी हो गई 73,500 हो जाते हैं, 73,500 में से 70,000 माइनस कर दो तो 3520 आ जाते हैं, और यहाँ पे कितना है मेल और फीमेल की परसेंटेज कितनी है 6% मेल है 4% फीमेल है। अब देखो भाई 6% को हमने क्या कर दिया दो टुकड़े में कर दिया, 2% और 4% के टुकड़े में कर दिया, तो यहाँ से हमने मेल को कॉमन ले लिया मैंने बताया था, और फिर उसके बाद 4% निकाल दूंगा 70,000 का, तो कितना हो जाएगा 2800 निकल जाएगा, कितना आएगा 2800 निकलेगा 2800, और फिर उसके बाद हमने 2800 को उस साइड में शिफ्ट करा दूसरे साइड में तो 720 आया, 720 और मेल कितना है 2% इसका निकाला हमने, कितना आ गया 36,000 मेल का आया है तो उससे 4% है, उसका 4% निकालोगे तो 34,000 फीमेल आ जाएगा, तो गैपिंग कितनी है 2000 की, 2000 कितना है, कोई दिक्कत। आज वीडियो का समापन हुआ है भाई, परसेंटेज टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो गया, फाइनल हो गया। कितने मैंने लेक्चर लिए इसमें, मैंने टोटल 3 लेक्चर लिए, ठीक है, मैं 100% की तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन 99% क्वेश्चन इसी पैटर्न के दिखेंगे आपको, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन एज से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड, मिक्सर से रिलेटेड, और पेन आर एक्स से रिलेटेड, कस्बों से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तो 99% इस क्वेश्चन से टकराएंगे, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला हो, चाहे एक क्वेश्चन का चाहे एक लाइन का आपको फ़ायदा मिला हो, भाई साहब शर्म कीजिएगा और चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एक भी रुपये नहीं लगे, एक भी आपके रुपये नहीं लगे, लेकिन मोटा इन सारी चीज़ों, ठीक है, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।